हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद एतिमन। तो पिछले वीडियो में हमने DSSSB की चार सब्जेक्ट की जो वैकेंसी हैं उनके बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज टीचर्स के लिए जो रिक्रूटमेंट जारी होगी, जहां पर TGT पोस्ट के लिए 8,948 न्यू वैकेंसी आने वाली है। यहाँ पर क्या योग्यता मांगी गई है, नए नियमों के आधार उम्र क्या रहेगी, तो चलिए सबसे पहले जो है वो हम नोटिस को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए 6/7/2023 का नोटिस है, द रिक्रूटमेंट रूल, नए नियमों के आधार पर पोस्ट ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो है आपकी हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और बंगाली। ऐसा नहीं है जिनका सब्जेक्ट हिंदी रहा है वही अप्लाई कर पाएंगे। जिसने ग्रेजुएशन में हिंदी जो है वो पढ़ा है लैंग्वेज के रूप में, वह भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएगा। तो जो है ये चीज जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आगे चल के बच्चों का जो है वो मन ऐसा रहता है कि मैं भी जो है वो पंजाबी पढ़ाऊं, मैं भी हिंदी जो है पढ़ाऊं, मैं भी संस्कृत पढ़ाऊं। उसने ग्रेजुएशन में लैंग्वेज के रूप में हिंदी और इंग्लिश दो सब्जेक्ट लिए थे, बट वह टीचर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर DSSSB ने मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के नाम से जो है यहाँ पर नए नियम जो है वो निर्धारित किए हैं TGT की पोस्ट के लिए, तो सभी बच्चे जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। तो क्वालिफिकेशन जो है वो क्या मांगी गई है, दिल्ली राजपत्र में ये चीज जो है वो बिल्कुल अच्छे से प्रकाशित कर दी गई है। पद नाम जो है आधुनिक भारतीय भाषा है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और बंगाली। एक चीज आप ध्यान में रखिए, जो भी दिल्ली के स्टूडेंट नहीं है, यानी ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो दिल्ली की वैकेंसी है, हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सभी बच्चे कर सकते हैं, चाहे वह इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हों। यहाँ पर पदों की संख्या जो है आधुनिक भारतीय भाषा में 8,948 है, और यह भी जो है वो घटाई या बढ़ाई जा सकती है जैसा कि इनको लगेगा। जैसे ही जो है इनको लगेगा कि बर्डन जो है वो काफी हो रहा है वर्क का, तो ये और भी वैकेंसी जो है इसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। वेतन जो है वो आपका रहेगा 44,900 से लेकर 1,42,400 के बीच में। आयु सीमा जो है वो 30 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है, जैसा कि पिछली वैकेंसी जो है उसमें हमने नोटिस में देखा था। योग्यताओं की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा लगेगा आपको ये सुनकर कि ये जो आधुनिक भारतीय भाषाएं दी हुई हैं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और बंगाली, आपने ग्रेजुएशन में एज अ विषय के रूप में पढ़ा हो या आपने लैंग्वेज के रूप में पढ़ा हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। साथ में BEd और CTET जो है यहाँ पर मांगा ही गया है। तो यदि आप एलिजिबल हो इन वैकेंसीज के लिए तो तैयारी जो है वो अभी से स्टार्ट कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।